और मंत्री जिसे हम कह सकते हैं कि आज के समय में द्वितीय नंबर का, जिन्होंने लिखित आरोप लगा करके पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से त्याग पत्र दिया गया, और त्याग पत्र इसलिए उन्होंने दिया कि अपने कर्तव्यों का पालन करने में वो असमर्थ रहे, क्योंकि मंत्री का जो अधिकार है उस अधिकार को छीनने का प्रयास किया गया, और उसके बाद में उसमें चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी बना दी गई। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहली घटना होगी। निर्णय मंत्री के द्वारा लिया जाता है, लेकिन मंत्री के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसको बदलने का अधिकार चीफ सेक्रेटरी और सचिव को दिया गया है। करके पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा ग्रामीण एवं पंचायत विभाग को छोड़ा जाना भूपेश बघेल सरकार की असफलता है। उन्होंने जो आरोप लगाया कि गरीबों के घर छीनने का काम भूपेश बघेल सरकार कर रही है, मनरेगा से लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए वो राहत देने का में नाकाम रही है भूपेश बघेल सरकार। साथ में भूपेश बघेल सरकार इस बात पर भी नाकाम रही है कि आदिवासियों के लिए जो पेशा कानून लाना चाहिए उसमें भी नाकाम रही है, और जो आरोप लगातार हम लगाते रहे हैं कि गरीबों का घर छीनने वाली सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, और जो जन घोषणा पत्र है उसको पूरा नहीं हो पा रही है, इसलिए उन्होंने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग छोड़ा है। मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है, मुझे पत्र नहीं मिला है, मिलेगा तो मैं उसे परेशान करूँगा। मैंने पहले ही कहा कि मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है, तो मेरे पास पत्र आएगा तो मैं उसमें विचार करूँगा। चर्चा हुई क्या सिंहदेव जी के साथ? नहीं, मेरी चर्चा नहीं हुई। कल मैंने रात में लगाया था, फ़ोन मिलाया था, नहीं लगा। नहीं, मेरी चर्चा नहीं हुई। कल मैंने रात में लगाया था, फ़ोन मिलाया था, नहीं लगा।